जो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वो था थ्योरीज़। इस थ्योरीज़ में पहले थ्योरी हम लोग डिस्कस किए एपिकल सेल थ्योरी, दूसरी थ्योरी जो हम लोग डिस्कस किए वो थे हिस्टोजन थ्योरी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है कि रूट के एपेक्स में क्या क्या डेविएशन देखने को मिला। जब हम लोग रूट के एपेक्स को देख रहे थे, एक मोनोकॉट रूट है, एक डाइकॉट रूट है, तो किस तरह का डेविएशन मिला, तो हमने क्या किया, एक इसका डायग्राम बनाया। और डायग्राम में सबसे पहले ये एक रूट का डायग्राम है, बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल को एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या नाम देंगे, डर्मेटोजेन। क्यों नाम दिए ये आपको पता है, डर मतलब स्किन, जेन मतलब जनरेट करना। यही वो पोर्शन है जब ये रूट और बड़ा होगा तो ये किसको जनरेट करेगा, रूट के आउटर मोस्ट लेयर को। और रूट के आउटर मोस्ट लेयर को बहुत अच्छी बात ये बता रहे हैं हम लोग, नॉर्मली बाहर वाले लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस, लेकिन रूट के बाहर वाले लेयर का नाम बदल दिए। रूट के बाहर वाले लेयर को अब एपिडर्मिस नहीं बल्कि एपिब्लेमा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रूट के आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस नहीं कहते हैं बल्कि क्या नाम दे दिए, एपी मतलब आउटसाइड, ब्लेमा। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, डर्मेटोजेन क्या बनाएगा, डर्मेटोजेन डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, रूट का आउटर मोस्ट लेयर। फिर दूसरी बात हम लोग बताते हैं पेरिब्लेम, मतलब ये डर्मेटोजेन के बाद वाले लेयर का नाम रखा है। इसको तुम लोग को सोचना है एक ग्राउंडेड स्ट्रक्चर के रूप में, मतलब ये घूमते हुए कहां पहुंच जाएगा, ये टर्न ले रहा होगा, ये ऐसे करके होगा, मतलब ये पूरे सराउंडेड स्ट्रक्चर में चारों तरफ दिख रहा होगा पेरिब्लेम। तो पेरिब्लेम क्या बनाएगा, हम लोग बताते थे पेरिब्लेम फ्यूचर में कॉर्टेक्स बना दिया, फ्यूचर में क्या बनाया, कॉर्टेक्स बनाया। और प्लीरोम क्या बना दिया, इसके बारे में हम लोग देखे थे कि ये बनाया वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन रूट के जब हम लोग एपेक्स पे पहुंचते हैं तो देखते क्या है, एक नॉर्मल टेरिस्टेरियल प्लांट में जो प्लांट मिट्टी में ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं, टेरिस्टेरियल प्लांट, और जो पानी में ग्रो करता है उसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक प्लांट। तो एक टेरिस्टेरियल प्लांट में नॉर्मली हम लोग क्या देखेंगे, रूट के एपेक्स पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, हम लोग इसको कहते हैं रूट कैप। ये डायग्राम में दिखा रहे हैं हम लोग रूट कैप, तो वन कैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। अब रूट कैप क्यों मिलता है, प्लांट का रूट मिट्टी में ग्रो कर रहा है, मिट्टी में आगे कोई भी हार्ड ऑब्स्टेकल आ सकता है, जैसे हम लोग हेलमेट पहनते हैं जब बाइक चलाते हैं, किस चीज को बचाने के लिए, अपने सबसे बॉडी के टेंडर पोर्शन को, सबसे कोमल पोर्शन हमारा ब्रेन है, बचाने के लिए हेलमेट वियर करते हैं। ठीक उसी तरह से रूट अपने एपिकल पोर्शन के टेंडर कमजोर टिश्यू को बचाने के लिए क्या डेवलप किया, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, उस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है रूट कैप। अब हम लोग ये पूरे डायग्राम को देखें जो हम लोग अभी डिस्कस किए, तो हम लोग कहते हैं कि रूट कैप इज प्रेजेंट एट द एपिकल पोर्शन ऑफ द रूट, क्यों, टू प्रोटेक्ट द टेंडर पोर्शन ऑफ द रूट, रूट के टेंडर पोर्शन को, कमजोर पोर्शन को, मेरिस्मेटिक टिश्यू को सेव करने के लिए, बचाने के लिए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था। लेकिन यहां पे हम लोग एक दो नई बात बताएंगे, रूट कैप आर प्रोड्यूस्ड बाय डर्मेटोजेन है ना, इन डाइकॉट, डाइकॉट के इस केस में ये जो डर्मेटोजेन था जिसको हम लोग स्किन कह रहे थे, यही रूट का कैप बनाया है, नहीं तो जो स्किन का लेयर था, जो आउटर मोस्ट लेयर था, वही रूट का कैप बना देता है। लेकिन मोनोकॉट के केस में एक फोर्थ लेयर की बात करने लगे, अब हम लोग मोनोकॉट के स्टेम पे आ रहे हैं है ना, मोनोकॉट के रूट पे आ रहे हैं। मोनोकॉट के रूट में एक और लेयर मिला, नॉर्मली हिस्टोजेन थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देयर आर थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर, एक लेयर का नाम रखे डर्मेटोजेन, दूसरे लेयर का नाम रखे पेरिब्लेम, तीसरे लेयर का नाम रखे प्लीरोम। लेकिन मोनोकॉट के रूट में हम लोग कहते हैं देयर इज अ फोर्थ हिस्टोजेन, उस हिस्टोजेन का नाम रखा गया कैलिप्ट्रोजेन, क्या नाम रखे इसका। तो क्या हम लोग नई बात सीखे,
कैलिप्ट्रोजिन इज ए फोर्थ हिस्टोजेन, फोर्थ मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेकिन कहां? तो टर्म यूज करेंगे इन मोनोकॉट रूट, डायकॉट की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ऑफ मोनोकॉट रूट। तो कैलिप्ट्रोजेन इज फोर्थ लेयर, तो कैसा? हिस्टोजेन, उस पूरे मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग नाम दे दिए, हिस्टोजेन थ्योरी के हिसाब से एक नाम दे दिया गया सारे उस लेयर को, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरियम को हम लोग अब एक नाम दिए हिस्टोजेन, और क्या कहे कि दिस इज दी फोर्थ लेयर। यही फोर्थ लेयर नॉर्मली रूट कैप बनाएगा, लेकिन किसमें? इन मोनोकॉट। डायकॉट में एपिब्लेमा या जिसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं वही रूट कैप बनाता है। तो अब रूट कैप पे दो क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल में, क्या क्या आ सकता है? डायकॉट में कौन से एम्ब्रियोनिक लेयर से रूट कैप बना? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? इन डायकॉट एपिब्लेमा फॉर्म रूट कैप। लेकिन क्वेश्चन आ गया इन मोनोकॉट कौन से लेयर का हम लोग कहेंगे इन्वॉल्वमेंट है रूट कैप बनाने में? तो आंसर क्या हो जाएगा? इन मोनोकॉट देयर इज ए फोर्थ लेयर, वी कॉल इट कैलिप्ट्रोजेन। मोनोकॉट में एक चौथा लेयर मिलता है, हम लोग इसका नाम रखते हैं कैलिप्ट्रोजेन, और कहते हैं कैलिप्ट्रोजेन ही डिवाइड करके क्या बनाता है? रूट कैप बनाता है। तो डायकॉट और मोनोकॉट के रूट कैप के ओरिजिन में अंतर आ गया। क्या अंतर आया? डायकॉट के रूट में रूट कैप किससे बना? तो क्या आंसर देंगे? इट इज एपिब्लेमा। नहीं, बाहर वाले लेयर का नाम एपिब्लेमा कह रहे थे, तो इसको हम लोग क्या कहे? इट इज एपिब्लेमा। और जब मोनोकॉट की बात किए तो हम लोग क्या नाम दे दिए? कैलिप्ट्रोजेन। तो हम लोग कैलिप्ट्रोजेन को फोर्थ हिस्टोजेन कह दिए। और फिर हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं ये कैसा टिश्यू था, कहे ये रूट कैप बना रहा है इन मोनोकॉट। और फिर हम लोग देखते हैं ये रूट कैप आर प्रोड्यूस्ड बाय डर्मेटोजेन इन डायकॉट। अगर डायकॉट की बात करते तो डायकॉट में रूट कैप किससे बनता? डर्मेटोजेन से बनता। लेकिन अगर मोनोकॉट की बात करें तो रूट कैप, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन से चीज से क्या क्या बन रहा है, तो रूट कैप फॉर्म, इट इज फॉर्म्ड बाय कैलिप्ट्रोजेन इन मोनोकॉट। फिर से समझो, रूट कैप एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, दो तरह का प्लांट हमारे पास है, एक डायकॉट और दूसरा मोनोकॉट। डायकॉट में ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन जो हमारा एम्ब्रियोनिक लेयर है उसका नाम रखे हैं डर्मेटोजेन। डर्मेटोजेन विल डिवाइड एंड फॉर्म रूट कैप। लेकिन मोनोकॉट के केस में एक नई बात आई सामने, और उस नए सेल का नाम क्या रखे हैं? कैलिप्ट्रोजेन। क्या नाम रखे इसका हम लोग? कैलिप्ट्रोजेन। कैलिप्ट्रोजेन क्या करेगा? कैलिप्ट्रोजेन डिवाइड करेगा और क्या बना देगा? रूट कैप। तो रूट कैप, अब प्रश्न कैसा आया था देखो, क्वेश्चन आया रूट कैप इज फॉर्म, पहला ऑप्शन दे दिया डर्मेटोजेन, दूसरा ऑप्शन दे दिया पेरिब्लेम, तीसरा ऑप्शन दे दिया प्लेरोम, और चौथा ऑप्शन दिया डर्मेटोजेन एज वेल एज कैलिप्ट्रोजेन। अब बताओ ऑप्शन क्या होगा और कितनी गलतियां होने की संभावना है इस क्वेश्चन में? गलती कैसे होगी ये देखो, नॉर्मली हमको याद हो गया रूट कैप कौन बनाता है? डर्मेटोजेन। हम पहले वाले पे टिक कर दिए डर्मेटोजेन, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं ना था कि डायकॉट है या मोनोकॉट है, यहां क्वेश्चन सिंपल सा था रूट कैप इज फॉर्म। अगर ये क्वेश्चन होता कि रूट कैप इज फॉर्म इन डायकॉट, तब तुम्हारा आंसर क्या होता? डर्मेटोजेन, पहला ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, तो देखो क्वेश्चन थोड़े थोड़े चीजों पे ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे ट्विस्ट कर रहा है। पहली बात हम लोग क्या बताएं, क्वेश्चन में क्या पूछा? रूट कैप इज फॉर्म्ड, ये नहीं लिखा है इन डायकॉट और मोनोकॉट। अगर डायकॉट लिखता तो तुम्हारा आंसर क्या होता? तब तुम कहते दिस इज एपिब्लेमा। अगर मोनोकॉट लिखता तो तुम कहते दिस इज कैलिप्ट्रोजेन विच विल फॉर्म रूट कैप। डायकॉट रहता तो लिखते दिस इज एपिब्लेमा विच विल डिवाइड एंड फॉर्म रूट कैप। लेकिन जब दोनों में कोई शब्द नहीं है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? बोथ लेयर्स आर इन्वॉल्व, दोनों लेयर इन्वॉल्व हो रहा है ना। डायकॉट में कौन हो रहा है? डायकॉट में एपिब्लेमा हो रहा है, और मोनोकॉट में कौन हो रहा है? मोनोकॉट में कैलिप्ट्रोजेन हो रहा है। तो अब ऑप्शन क्या हो गया, समझ में आ गया ना? ऐसे क्वेश्चन पे जब भी क्वेश्चन आता है ना, और हमने क्या कहा था, पहले क्वेश्चन का अगर आंसर मिले तो समझना खतरा है। अगर पहला ही ऑप्शन तुमको सही दिख रहा हो तो क्या समझना? खतरा है।
और लास्ट क्वेश्चन तक बहुत कंसिस्टेंट वे में पढ़ना उसको, फोर्थ ऑप्शन बहुत ध्यान से देखना। कभी कभी आंसर इज वन बट द बेस्ट आंसर इज फोर्थ वन, दिस इज द यूनिक वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। जब हम लोग बहुत मेडिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो जो बातें हम कह रहे हैं ना वो तुमको लगेगा कि बिल्कुल सही कह रहे थे सर, है ना। तो एक एक चीजों को बहुत ध्यान से सुनो और जो समझा रहे हैं उसको फॉलो अप करो, तो तुमको बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि रूट कैप इज फॉर्म्ड बाय, आंसर क्या हो गया, फोर्थ वन। और फोर्थ वन क्या था, बोथ डर्मेटोजेन एज वेल एज हम लोग नाम दिए कैरेप्टोजेन। अब हम लोग आते हैं, रूट कैप की बात समाप्त हो गई, रूट कैप कहां मिला, तो एक टर्म यूज किए, टेरिस्टेरियल प्लांट। टेरिस्टेरियल प्लांट किसको हम लोग कहते हैं, जो प्लांट मिट्टी में ग्रो कर रहा होता है वी कॉल इट टेरिस्टेरियल प्लांट। अब हम लोग फिर दूसरे टर्म पे आते हैं, एक्वेटिक, जो पानी में ग्रो करता है उसको कहते हैं एक्वा, मतलब होता है वाटर, है ना। हम लोग यूज करते हैं पानी पीने वाला, क्या टर्म यूज करते हैं, अक्वा गार्ड मेरे घर में लगा हुआ है, तो अक्वा मतलब वाटर। तो एक्वेटिक प्लांट कैसा प्लांट हुआ, जो प्लांट पानी में ग्रो कर रहा है उसका नाम रखते हैं एक्वेटिक, और जो लैंड एरिया में ग्रो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड एरिया में ग्रो करने वाले को हम लोग कहते हैं टेरिस्टेरियल। तो रूट कैप की जरूरत कहां पड़ी, हार्ड सॉइल, मिट्टी कैसी होती है, बहुत हार्ड होती है। तुम कभी मिट्टी को खोदो और देखो, जो जो मिट्टी को खोदते हैं बहुत, हमको क्या करना पड़ता है, कुछ नुकीले चीजों से मिट्टी को खोदना पड़ता है, क्यों, क्योंकि सॉइल बहुत हार्ड हो जाता है। तो सॉइल हार्ड है इसीलिए उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, और कभी कभी तुम खोदते होगे तो नीचे एक पत्थर का टुकड़ा दिखता होगा। अब सोचो ये रूट ग्रो कर रहा था और उस पत्थर से जाके टकरा गया, तो बेचारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए इसको बचाने के लिए रूट क्या बनाया, एक प्रोटेक्टिंग लेयर, और क्या नाम रखे इसका, रूट कैप। लेकिन पानी वाले प्लांट के साथ ऐसी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि मड है नीचे, कीचड़ है, ये सॉइल की तरह हार्ड नहीं है, इसीलिए रूट पॉकेट अब प्रोटेक्शन के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन तुम फिर ये बोलोगे कि सर उस पानी में, उस कीचड़ में भी तो थोड़ा बहुत मड है और कंकड़ मिल सकता है, तो हम कहेंगे यस, उसके लिए जो अब प्रोटेक्टिंग टिश्यू है उसका नाम बदल गया, क्या नाम रखे उसका हम लोग, अब हम लोग उसको टर्म यूज किए रूट पॉकेट्स। ये रूट पॉकेट, रूट के एंड्स पे एक्वेटिक प्लांट में एक पतला सा कवरिंग है, ये रूट कैप की तरह बहुत हार्ड नहीं है, बल्कि कैसा है, बिल्कुल पतला सा कवरिंग है, और ये काफी है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका नाम हम लोग रखे रूट पॉकेट्स। तो रूट पॉकेट्स आर प्रेजेंट किसमें, आंसर क्या देंगे, इन हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट किसको बोले, हाइड्रो मतलब वाटर, और फाइट मतलब ये टर्म आया है फॉर प्लांट, दोज प्लांट्स विच ग्रो ऑन वाटर इज ऑल्सो टर्म एज हाइड्रोफाइट। और यहां पे हम लोग उस एनवायरमेंट को क्या नाम दिए थे, एक और टर्म अभी समझाए थे, अक्वा मीन्स वाटर, एक्वेटिक प्लांट, तो हाइड्रोफाइट्स आर एक्वेटिक प्लांट। ये टर्म याद करना नहीं है, समझना है टर्म कैसे बना, हाइड्रो मीन्स पानी, है ना, और वाटर प्लांट के लिए टर्म क्या है उसके, फाइट्स, तो हाइड्रोफाइट्स मीन दोज प्लांट्स विच ग्रो ऑन वाटर, और अक्वा मतलब क्या होता है, अक्वा मतलब भी पानी होता है, हम लोग टर्म अभी बताया अक्वा गार्ड, तो अक्वा मीन्स वाटर, एक्वेटिक प्लांट दोज प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट में एक हल्का सा पतला सा कवरिंग मिला, उस हल्के और पतले कवरिंग का नाम क्या रखे हम लोग, रूट कैप की जगह पे वो मिला, किसकी जगह पे मिला, रूट कैप की जगह पे मिला, और उसका नाम रखे रूट पॉकेट। तो अब दो टर्म तुम्हारे सामने आ गया, एक रूट कैप और दूसरा रूट पॉकेट। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखे हैं ये डेविएशन है, एक्सेप्शन है, जो मेडिकल में आया हुआ है एग्जाम में। जनरली रूट कैप इज सिंगल बट इन पैंडेमस स्क्रूपाइन इट इज मल्टीपल। ये डायग्राम में, बुक्स में हम लोग देखते हैं, एक डायग्राम ऐसे बनाते हैं और ऐसे ऐसे कैप दिखाते हैं, इसको कहते हैं मल्टीपल रूट कैप। ये जो मल्टीपल रूट कैप बना रहे हैं ये बहुत रेयर प्लांट में मिलता है, और ये भी क्वेश्चन पहले एम्स में, बीएचयू में, दोनों में आया हुआ है कि मल्टीपल रूट कैप कहां मिलेगा। तो मल्टीपल रूट कैप इज प्रेजेंट इन
स्क्रूपाइन इज द इंग्लिश नेम है ना, और पैंडेमस इज द बॉटनिकल नेम। और मल्टीपल का मतलब हो गया मोर देन वन लेयर, कितना लेयर, मोर देन वन लेयर, इट इज कॉल्ड एज मल्टी मतलब मेनी, मल्टीपल कॉपी हम लोग बोलते हैं ना, कार्बन कॉपी, एक पेज दी और बोले मल्टीपल कॉपी निकाल के ले आओ, मतलब बहुत सी कॉपियां निकाल के ले आओ। ठीक उसी तरह से व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ रूट कैप इज मल्टीपल, मीनिंग बाय ये बहुत से लेयर का बना हुआ दिख रहा है। तो ये एग्जांपल हमको याद रखना है कि मल्टीपल रूट कैप किस प्लांट पे मिला, तो नाम क्या हो गया प्लांट का, पैंडेमस, और कॉमन नेम इज कॉल्ड स्क्रूपाइन, दोनों ही नाम से क्वेश्चन आ सकता है। फाइनली हम लोग आते हैं, ये रूट के एपेक्स में एक फिर घटना घट रही है, रूट के एपेक्स पे एक ऐसा एरिया मिल रहा है जिसका नाम है क्विसेंट सेंटर। क्या नाम है इसका, क्विसेंट सेंटर। अब हम लोग क्विसेंट सेंटर के बारे में बताना शुरू करते हैं। नॉर्मली रूट का एपिकल पोर्शन बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एरिया है, हम लोग बोलते हैं इट इज इन स्टेट ऑफ एक्टिव। ये कैसा स्टेट है, इट इज इन द स्टेज वेयर मोस्ट एक्टिविटी इज बीइंग गवर्न। लेकिन मोनोकॉट और डायकॉट जब दोनों रूटों को ऑब्जर्व किए तो मोनोकॉट के रूट में एक यूनिक कैरेक्टर दिखने लगा। किस रूट में, मोनोकॉट के रूट में, रूट के एपेक्स पे कुछ ऐसा एरिया दिखा जो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा था, बिल्कुल वैसे ज्वालामुखी की तरह, वैसे ज्वालामुखी की तरह जिसको कहते हैं डॉर्मेंट। हम लोग वहीं से ये शब्द को डिराइव किए हैं, क्विसेंट वॉल्केनो, ये तुम लोग पढ़े होगे टेंथ में कभी ज्योग्राफी में, क्विसेंट वॉल्केनो मीनिंग बाय ऐसा ज्वालामुखी वॉल्केनो जो अभी बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज में है, अभी इसमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। मीनिंग दिस इज वर्ड, क्विसेंट शब्द का मतलब हो गया शांत रहना, ऑफ नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं शो करना। रूट के एपिकल पोर्शन पे मोनोकॉट के रूट में एक ऐसा ही एरिया दिखाई दिया, हम लोग उसका नाम रखे क्विसेंट सेंटर। क्या नाम रखे इसका, मतलब ये इसका क्वेश्चन ये आया हुआ था, क्विसेंट सेंटर इज एन एरिया ऑफ, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा हाई एक्टिविटी, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ऑफ लो एक्टिविटी, ऑप्शन दिया रहेगा ऑफ नो एक्टिविटी। अब हम लोग यहाँ पे शब्दों को बहुत ध्यान से चयन करेंगे, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ रहे हैं और ऑप्शन समझना है। हम लोग कहते हैं डॉर्मेंट है, इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि डेड है, इसका मतलब है ये कुछ ना कुछ धीरे धीरे एक्टिविटी कर रहा है, इसीलिए द बेस्ट टर्म इज लो एक्टिविटी, ये धीरे धीरे काम कर रहा है। हम लोग टर्म क्या यूज किए, द बेस्ट वर्ड इज लो एक्टिविटी। तो क्विसेंट सेंटर के बारे में क्या क्या जाना है, क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, आंसर क्या देंगे, यस मोनोकॉट। दूसरी बात क्या बताया, क्विसेंट सेंटर इज एन एरिया ऑफ, तुम्हारे पास क्वेश्चन का ऑप्शन है नो एक्टिविटी और दूसरा ऑप्शन है लो एक्टिविटी, क्या ऑप्शन लेंगे, वेरी गुड, हम लोग ऑप्शन लेंगे लो एक्टिविटी। दूसरी बात और तीसरी बात, तुम्हारे मन में प्रश्न आया कि क्यों ये लो एक्टिविटी है तो ये रूट के एपेक्स का पार्ट जहां पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, सारा टिश्यू डिवाइड कर रहा है, सब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इसका आंसर भी बायोलॉजिकल है, ये इसलिए लो एक्टिविटी का है क्योंकि इसमें लेस अमाउंट ऑफ डीएनए है। डीएनए का कंटेंट कैसा है, नॉर्मल एक सेल के कंपैरिजन में कम है, सिर्फ डीएनए नहीं आरएनए भी कम है, आरएनए का कंटेंट भी कैसा है, लेस है, और जो एक्टिव स्टेट रहता है सेल के अंदर, मोस्ट एक्टिव एरिया होता है, उसका नाम क्या रखते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियाई जो है वो भी बहुत छोटा है, बहुत तेज डेवलप नहीं किया है, बहुत हम लोग कह सकते हैं कि ज्यादा डेवलप नहीं है, और सेल की एक्टिविटी में सबसे बड़ा रोल होता है प्रोटीन का बनना। क्यों, क्योंकि दुनिया का सारा एंजाइम तो प्रोटीन का बना हुआ है, ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन, और प्लांट जितनी भी एक्टिविटी कर रहा है दे ऑल आर मेडिएटेड और कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। जब हम लोग ये बात कहते हैं कि सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है एंजाइम, तो तीन सीक्वेंस तुमको याद रखना है, ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन, एंजाइम क्या है, बेसिकली प्रोटीन है। दूसरी बात, ये एंजाइम ही है जो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जब एंजाइम कब बनेगा,
हमने क्या कहा, ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन, जब प्रोटीन कम बनेगा तो एंजाइम भी कम बनेगा, बिल्कुल, और जब एंजाइम कम बनेगा तो एंजाइम जब कम है तो कम एक्टिविटी करेगा, ज्यादा होता तो ज्यादा एक्टिविटी करता है, इसीलिए इसकी एक्टिविटी क्या हो गई, लो एक्टिविटी। तो ये रटना नहीं है, समझना है फिर कि ये लो एक्टिविटी क्यों है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं रट लें, क्वेश्चन सेंटर इज एन एरिया ऑफ लो एक्टिविटी। अरे रटना नहीं है इसको, इसको समझना है कि क्यों लो एक्टिविटी है, क्योंकि डीएनए कंटेंट कम है, क्योंकि आरएनए कंटेंट भी कम है, और सबसे बड़ा रीजन वो ये है कि यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है, प्रोटीन के सिंथेसिस का जो रेट था वो बहुत ही कम है, लेस है, और चूंकि प्रोटीन कम बनेगा इसीलिए एंजाइम भी क्या होगा, एंजाइम भी कम बनेगा, और जब एंजाइम ही सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रोल प्ले करता है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, बिकॉज लेस प्रोटीन इज बीइंग फॉर्मड, दैट्स व्हाई लेस एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड व्हेन लेस एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड ऑफ कोर्स देयर विल बी एन एरिया ऑफ लो माइटोटिक एक्टिविटी, ये वो एरिया होगा जहां पे एक्टिविटी कैसी होगी, बहुत कम होगी। तो ये हम लोग किसके किसका पार्ट देखे, अभी भी हम लोग हिस्ट्रोजन कॉन्सेप्ट को ही समझ रहे थे, हिस्ट्रोजन कॉन्सेप्ट में रूट के एपेक्स से रिलेटेड कुछ डेविएशन दिखा, इन डेविएशन को हम लोग डिस्कस किए। तो फाइनली इसको एक बार हम लोग समअप कर रहे हैं, हमने कहा देयर इज ए फोर्थ मेरिस्मेटिक लेयर, किसके केस में, एप्लीकेबल टू रूट, तो उस फोर्थ हिस्ट्रोजन का नाम रखे कैलिप्ट्रोजन। ये क्या बनाता है, मोनोकॉट के केस में, मोनोकॉट के रूट के केस में ये रूट कैप बनाता है, इसका मतलब रूट कैप मोनोकॉट और डायकॉट में अलग अलग मेरिस्टमेटिक टिश्यू से बना, मोनोकॉट में डर्मेटोजेन, पेरिबेन, प्लेरोम और कैलिप्ट्रोजेन, ये चार ऑप्शन तुमको देगा और तुम्हारा आंसर हो जाएगा कैलिप्ट्रोजेन, और डायकॉट में हम लोग क्या कहेंगे, इट इज एपिब्लेमा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट इज कॉल्ड एज एपिब्लेमा। तो रूट कैप एंड एपिब्लेमा यही बना देता है, क्या चीज, रूट कैप इज फॉर्म्ड बाय एपिब्लेमा इन डायकॉट। फिर हम लोग तीसरा पॉइंट क्या डिस्कस किए, रूट कैप के बारे में, रूट कैप इज प्रेजेंट इन ऑल, कैसे प्लांट में, टेरेस्ट्रियल प्लांट, लेकिन जनरली रूट कैप इज सिंगल, एक ही लेयर का बना होता है, बट अभी हमने एक एग्जांपल बना के समझाया कि मल्टीपल रूट कैप भी मिलेगा। मल्टीपल रूट कैप किस प्लांट पे मिला, प्लांट का नाम याद रखना है आपको, उसका नाम क्या है, पैंडेमस, उसको हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, स्क्रूपाइन के नाम से जानते हैं। और फिर हम लोग कहे एक्वेटिक प्लांट में जो पानी में ग्रो कर रहा होता है, ऐसे प्लांट में रूट कैप की जरूरत नहीं है, इंस्टेड देयर इज एन ऑर्गेन और उसका नाम क्या रखे हम लोग, रूट पॉकेट, वेरी गुड। तो रूट पॉकेट और रूट कैप को कंपेयर किया गया, एक बार क्वेश्चन आया था बहुत पहले, रूट कैप एंड रूट कैप रूट पॉकेट आर, क्वेश्चन का ऑप्शन था होमोलोगस ऑर्गेन, दूसरा ऑप्शन था एनालॉगस ऑर्गेन। अभी इन पहले दोनों शब्दों को समझाते हैं, होमोलोगस ऑर्जिन ऑर्गेन का मतलब होगा सेम इन ओरिजिन, और एनालॉगस का मतलब होता है सेम इन फंक्शन। क्या क्या बोले फिर से रिपीट करो, होमोलोगस ऑर्गेन का मतलब क्या बताए, सेम इन ओरिजिन, और एनालॉगस का मतलब क्या बताए, सेम इन फंक्शन। तो अब तुम यहां पे आंसर दे सकते हो, दोनों का ही काम एक है, रूट कैप टेरेस्ट्रियल प्लांट में प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, रूट पॉकेट एक्वेटिक प्लांट में प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, इसीलिए दोनों का फंक्शन एक है। हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे, बोथ आर एनालॉगस ऑर्गेन, ये समझ में आ गया। तो ये हमारा ये खत्म हुआ, अब जाके हिस्ट्रोजन थ्योरी। तो हिस्ट्रोजन थ्योरी के हिसाब से पहले आउटर मोस्ट लेयर का नाम डर्मेटोजेन, जो फ्यूचर में क्या बनाएगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरे लेयर का नाम पेरिब्लेम, ये फ्यूचर में क्या बनाया, ग्राउंड टिश्यू। तीसरे लेयर का नाम प्लेरोम, ये फ्यूचर में क्या बनाया, वैस्कुलर टिश्यू। और चौथे हिस्ट्रोजेन को हम लोग रूट में देख रहे थे, इस चौथे हिस्ट्रोजेन का नाम है मोनोकॉट के रूट में मिला कैलिप्ट्रोजेन। कैलिप्ट्रोजेन रूट कैप बनाया इन मोनोकॉट। अब ये टॉपिक हम लोगों का खत्म हो गया, अब हम लोग आते हैं थर्ड थ्योरी पे। अब हम लोग लास्ट थ्योरी पे आ गए,
लास्ट थ्योरी इज टर्म एज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. क्या नाम है थ्योरी का? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. ये जो नाम है थ्योरी, जरा सा ध्यान से देखो, इसमें दो शब्द हैं, ट्यूनिका पहले है और कॉर्पस बाद में है. तो सबसे पहले जो लेयर पहले है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऊपर की तरफ होगा. मतलब तुमको ये पता चल गया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में आउटर मोस्ट लेयर को किस नाम से जानेंगे, तो हम लोग इसको ट्यूनिका के नाम से जानेंगे. और ये जो थ्योरी था, इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है स्मिथ. जब हम लोग स्मिथ लिखते हैं ना, तो लिखते हैं SCH स्मिथ, MIDT. स्मिथ इज रिटन एज SCH MIDT, ठीक है. लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं स्मिथ, बट लिखा रहता है DT. तो ये ध्यान रखना है इसमें स्मिथ. दूसरा पॉइंट हम लोग देखें, मोस्ट वैलिड. किसके लिए ये कॉन्सेप्शन वैलिड है? तो हम लोग कहते हैं दिस इज वैलिड कॉन्सेप्ट फॉर शूट एपेक्स. शूट के एपेक्स को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम लोग इसी थ्योरी का सहारा लेते हैं. और क्या कहते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में देयर आर टू लेयर. एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने लेयर हैं? सिर्फ दो लेयर हैं. बाहर वाले लेयर का नाम दिया गया ट्यूनिका और अंदर वाले लेयर का नाम दे दिया गया कॉर्पस. ट्यूनिका ये पेरिफेरल पोर्शन पे दिख रहा होगा, है ना, पेरिफेरी वाले सेल्स को कवर कर रहा था, जो एंटीक्लिनली डिवाइड किया. और एंटीक्लिनल डिवीजन ये दिखा रहे हैं इस तरह के डिवीजन को हम लोग क्रॉस के समान, मतलब ये ऐसे और ऐसे जब डिवाइड करता तो कहते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन. और एंटीक्लिनल डिवीजन के बाद जब नए नए सेल्स बन रहे होंगे, तो ये फ्यूचर में स्टेम का क्या बना देगा? एपिडर्मिस वाला पोर्शन बनाएगा. एपिडर्मिस किसको बताया है हम लोग? शूट के स्टेम के बाहर वाले लेयर का नाम क्या रखे थे? एपिडर्मिस. तो ये क्या बना दिया? एपिडर्मिस बनाया. कौन सा लेयर बनाया? एम्ब्रियो का आउटर मोस्ट लेयर बनाया. क्या नाम रखे एम्ब्रियो के आउटर मोस्ट लेयर का? तो एम्ब्रियो के आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग नाम दिए हैं ट्यूनिका. यूजुअली ये सिंगल सेल का बना हुआ है. यूजुअली कितने सेल का बना हुआ है? यूजुअली ये सिंगल सेल का बना हुआ है. ये बात थे ट्यूनिका से रिलेटेड. अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे, कॉर्पस. तो देखो, एक स्टेम का तीन लेयर, तीन टिश्यू सिस्टम होता है. पहले बाहर वाले टिश्यू सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. बीच वाले पोर्शन का नाम देते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. और वैस्कुलर बंडल को कह देते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो यहां पे पहला एम्ब्रियोनिक लेयर सिर्फ एक ही टिश्यू सिस्टम को बना रहा है, मतलब ये हम लोग कहेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बना रहा है. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बना रहा है, आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम को बना रहा है. तो अब अंदर दो टिश्यू सिस्टम बच गया. एक का नाम होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और दूसरे का नाम होगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ये दोनों ही सेकेंड लेयर जिसका नाम दिया गया कॉर्पस. ट्यूनिका पहले लिखा गया है, कॉर्पस बाद में लिखा गया है. मतलब सेकेंड लेयर को हम लोग किस नाम से जानेंगे? कॉर्पस. ये चारों तरफ डिवाइड कर रहा है, इन ऑल डायरेक्शन. इसके सेल्स क्या कर रहे हैं? चारों तरफ डिवाइड कर रहे हैं. दे डिवाइड इन ऑल डायरेक्शन, ऑल वर्ल्ड को घेर दिए हैं. ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? इट फॉर्म बोथ ग्राउंड एज वेल एज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ये दोनों ही टिश्यू सिस्टम को बना रहा है, ग्राउंड को भी और वैस्कुलर को भी. ग्राउंड का मतलब कॉर्टेक्स और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का मतलब जाइलम एज वेल एज फ्लोएम. तो इसमें हम लोग क्या क्या जाने? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट का नाम स्मिथ. दूसरी बात, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो हम लोग क्या बोले? इट इज एप्लीकेबल फॉर शूट एपेक्स. रूट एपेक्स के लिए कौन सी थ्योरी हम लोग देखे थे? हिस्टोजन थ्योरी वाज बेस्ट थ्योरी फॉर रूट एपेक्स. मोनोकॉट के रूट में आउटर मोस्ट लेयर या रूट कैप कौन बनाया? तो आंसर क्या देंगे? कैलिप्टोजेन. फिर क्वेश्चन आ सकता है, क्या कैलिप्टोजेन मोनो डाइकॉट के रूट में प्रेजेंट है? आंसर क्या होगा? नो, इट इज नॉट प्रेजेंट. तो इन तीन थ्योरी से मेडिकल में कई क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई क्वेश्चन आ सकते हैं. इसीलिए ये तीनों ही थ्योरी बहुत अच्छे से कंसेप्शन के साथ इसको बार बार देखना है. तो फाइनल जो थ्योरी था उसका नाम रखे ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी. ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में हम लोग क्या क्या देखे?
आउटर मोस्ट लेयर का नाम रखे ट्यूनिका, जिसका फ्यूचर क्या था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को बनाना। दूसरे लेयर का नाम था कॉर्पस, ट्यूनिका के बाद वर्ड आया कॉर्पस, इसका काम था अंदर के बारे बाकी सारे टिश्यूओं को बनाना। तो बाकी सारे टिश्यू कौन कौन से हो गए, ग्राउंड टिश्यू, और दूसरा कौन सा हो गया, वैस्कुलर टिश्यू। उस डायग्राम को फिर से याद करो और देखो निकाल के, ग्राउंड टिश्यू में हमने क्या क्या बताया, कॉर्टेक्स, और वैस्कुलर टिश्यू में हमने क्या बताया, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। इन सारे टिश्यू का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक लेयर में कौन सा लेयर किया, उसका नाम था कॉर्पस। तो ये हमारा तीन थ्योरीज खत्म हुआ और इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ जिसका नाम था मेरिस्टमेटिक टिश्यू। अब अगले क्लास में हम लोग परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस परमानेंट टिश्यू। तो टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक मेरिस्टमेटिक। अब ये पहला क्लास हमारा खत्म हुआ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू।